why I paid to do it. गीला तो नहीं हो रहा? दिखाओ, गीला तो नहीं हो रहा मेरा वो सारा पतला होने का सामान है यार मेरा, पतले होने का सामान रखा हुआ यार मेरा, धूप लगाने के लिए रखा है मैंने सांप को, दिखाओ। बारिश ज्यादा हो रही थी क्या कल? आज आज मैंने सुना है बहुत तूफानी बारिश होगी, पता नहीं, इंतजार कर रही हूँ मैं तो तूफानी बारिश का। माय ड्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो मौसम आज बहुत हसीन हो रहा है और अभी हम लोग नाश्ता करके बैठे, इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, सुबह से बारिश हो रही है, मैं तो खैर देर से ही सोकर उठी हूँ और आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। तो बस फिलहाल अभी इतनी तेज बारिश हो रही, दिखाती हूँ, अभी भी हो रही है बारिश तकरीबन, बहुत ज्यादा तो नहीं, कम कम ही हो रही है, लेकिन बहुत बिजली चमक रही है और आज तो पेशेंट कोई थी बारिश की। हमारी ना यहाँ ग्रिल बहुत बारीक बारीक लगी हुई है, तो बादल की आवाज सुने, कितनी तेज बादल की आवाज आ रही है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। जो आज वो थी प्रिस्ट्रिक्शन थी कि बारिश होगी, तो उसके हिसाब से जो है ना वाकई बारिश हो रही है, वरना मैं तो समझ रही थी झूठी बात होगी, होगी होगी नहीं, तेज हो गई, बहुत तेज हो गई बारिश। जल्दी हो, बारिश इतनी तेज हो गई, देखो अभी बादल गरजे हैं ना, उसके बाद तेज हुई है बारिश। सुबह से हो रही है क्या यार, जब तुम स्कूल गए थे? जी इस टाइम पे ऐसे हो रही थी बारिश। अभी शाम तक सुना है कि मैंने बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी, बहुत तेज, कपड़ों को तो पीछे करे। यहाँ से भी आ रही है बारिश थोड़ी, और मेरे पौधे जो है ना मट्टी मट्टी में हो रहे हैं सारे के सारे। एक दिन रमजान से पहले सारी गैलरी साफ करूंगी, बहुत गंदी हो चुकी है, और सारे पौधे वॉश करूंगी, और जो है ना दो तीन पौधे और लेकर आने हैं, वो लेकर आने हैं मुझे रमजान से पहले, वो सब लेकर आऊंगी मैं। देखें अभी तो लग रहा है रात तक होनी है बारिश, शाम तक, बहुत हसीन मौसम हो रहा है, लेकिन मिल जा रहा गाड़ी खड़ी हुई और लेकर चली जाऊँ निकल कर। तो बस फिलहाल अभी घर की बहुत बुरी हालत हो गई है, बस सुबह उठूँ मैं और सफाई करूँ, आज फ्राइडे है तो मेरा कॉलर भी बंद है ऑफ है, तो बस सफाई सफाइयाँ स्टार्ट करेंगे, इतने अच्छे मौसम में भी यही हो सकता है बस। यार बहुत ज़्यादा बारिश की जो है ना वो हो रही है, जा रही है। तो अभी हो चुकी है मेरी सारी सफाइयाँ, ये देखिए आज मैंने कितना काम किया है, ओ अभी कितना खूबसूरत, इतना खूबसूरत मौसम था बारिश का, और अभी इतनी ज़्यादा कड़क धूप निकल चुकी है, पता नहीं कैसे निकल गई। ये देखें कैसे मैंने बेले बांध दिए आज, बहुत दिन से मुझे ये सब काम करना था, गैलरी वॉश की है पूरी, और ये देखें अब ये सारी बेले इस तरह बढ़ती रहेंगी, मुझे बहुत दिन से ये काम करना था और मैं कर ही नहीं पा रही थी। ये देखें माशाल्लाह से मेरी बेल ये वाली दोनों फैल गई हैं, ये वाली में भी निकल रहे हैं नए पत्ते, इसमें और इसमें भी, तो मुझे हैरत हो रही है, बारिश देखें कितनी ज़्यादा तेज हुई है, और ये देखें पूरा गीला हुआ हुआ और इतनी तेज़, यहाँ पर अब धूप निकल चुकी है, पता नहीं कैसे, देखें पानी कितना खड़ा हुआ नीचे पार्किंग में, सारा का पानी जो है ना फैल गया खड़ा हुआ। तो अभी फिलहाल मेरी हो गई है सारी सफाइयाँ, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, मैंने नमाज ऐसे ही पढ़ ली थी जुम्मे की, और मैं नहाई नहीं थी, मतलब नहाई भी थी कल की, तो लेकिन अब मैं जा रही हूँ, मैंने कहा सर की नमाज से पहले नहा लूँ। ये देखें कितना पूरा क्लीन किया, ये कपड़े वो हैं जो अभी धुल के आए, यार ये वाले कपड़े इधर रख देना जरा, मैं अभी तय करती हूँ। क्लीन क्लीन हो गया भाई घर, सारी चीज़ें मैंने आज सोची हुई थी कि मैं आज कुछ भी हो जाए ये सारी सफाइयाँ आज मुझे करनी है गैलरी की, और जो है ना गैलरी पूरी वॉश करनी है, मैंने कहा अभी बारिश भी हो रही है अभी अभी कर लेती हूँ, और पूरी बेले बांधी, दो घंटे मुझे इसके अंदर ही लग गए, और अब मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, इतनी देर हो गई है।
यही होता है जिस दिन मैं घर में होती हूँ ना, मुझे कुछ ना कुछ काम फैला कर रखना होता है और ये काम भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जाहिर सी बातें जो करने होते हैं। तो गाइस मेरी हो गई असर की नमाज और ये चादर थी जो मैं लेकर आई थी कल, इतने आराम से इससे नमाज पढ़ी गई है ना, क्योंकि अक्सर घर में हम लोग ऐसे स्लीपिंग ड्रेस या इस तरह के कैजुअल ड्रेस पहने हुए होते हैं, ऐसे नहीं होते कि हम नमाज सही से पढ़ लें, फिर मुझे तो चेंज करने होते तो फिर मैं नमाज पढ़ती थी, तो इससे मुझे ये इजी हो गया। ये देखें पूरी नीचे तक की है, आराम से नमाज पढ़ी है इसमें मैंने, जुमे की भी और अब असर की भी। तो रमजानों में बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये स्कार्फ। तो आयु को भी शौक आ रहा है मेरा जैसे स्कार्फ पहनने का। आ यार दिखाओ, प्यारी बेटी लग रही है आप तो अच्छी लग रही हो। इसको तो पूरा लटक गया, अब इसका इसको पहनने का शौक आ रहा है, इसलिए अब इसका भी मैं छोटा सा लाके दे दूंगी, इसका भी छोटा सा मिल रहा। आयु दिखाओ, ऐसे पहनते बेटा, ऐसे पहनते, ऐसे पहनते सही है। प्यारी बेटी लग रही है आप तो, बहुत अच्छी लग रही है। मोबाइल भी हट जाएगा। वाह वाह प्यारी गुड़िया लग रही है माशाल्लाह से, जैसे कि आप आए हैं। सिपारा पढ़ने जाएंगे ना आप, तो फिर इस तरह पहन लीजिएगा, सही है। वाह 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 प्यारी बेटी लग रही हो। और इमरान खाएंगे, कह रहे हैं कि सब्जी खाएंगे तो वो मैं रोटी के साथ खाऊंगा, और हम लोग खाएंगे अयान और मैं तो चावल बॉईल करूंगी उसके साथ खाएंगे। तो बस फिलहाल जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन तो मुझे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इतने ज्यादा मुझे काम करने होते हैं। सारा दिन पहले घर की सफाइयां की और अब सारा दिन सब्जी में लग गई। मैंने कहा अगर मैंने सब्जी नहीं देखी तो सारी खराब हो जाएगी, तो इसलिए जो है ना सारी सब्जी वगैरह सब पैकेट बनाकर रख दिया। अभी फ्रीजर को साफ करना है, वो अभी नेक्स्ट छुट्टी में करूंगी। कल तो मुझे सैलून जाना है, आज फ्राइडे था और आज इतनी ज्यादा बारिश थी तो अच्छा हुआ आज मैं गई भी नहीं। तो वैसे भी फ्राइडे तो मैं ऑफ करती हूँ, लेकिन काम होता है तो जाती हूँ जरूर। तो अभी फिलहाल ऑफ सीजन हो गया तो इसलिए आराम ही होगा ज्यादातर, एक दिन जाऊंगी एक दिन नहीं जाऊंगी, लेकिन लड़कियों की क्लासेस चल रही तो इसके लिए मुझे बैक टू बैक जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल जो है ना हम लोगों ने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, क्योंकि हम सब कामों में लगे हुए थे। अयान मैं इमरान हम तीनों ने पहले मिलकर घर की पूरी सफाइयाँ की, पूरी डीप क्लीनिंग की, और उसके बाद फिर सब्जी में लग गए तीनों के तीनों। और इतनी सारी सब्जी हमने बनाई है और सब मटर इतने थे छील छिला के वो सारे रखे, तो बस फिलहाल अब सुकून मिल गया। अलमारियाँ साफ की सबसे पहले तो मैंने, कपड़े धुले हुए थे इतने खराब, मतलब मैंने कहा कि अभी हाथ के हाथ कर लूंगी ना तो वो सही रहेगा। अभी तो आलू कच्चे हैं। खाना हो गया है रेडी,
चलो यहाँ हो जाओ। आ जाए बन गए हैं मेरे छोले और ये सब्जी और ये चावल। तुमने क्या खाना है? रोटी से खाना है? वो नहीं खाओगे? वो निकाल के दे दो। किलो रोटी निकालो उसमें, वो बड़ी वाली प्लेट में। क्या खाने? आलू आलू इसने तो भैया आलू आलू ही खाने आया ना। पकड़ो पापा नहीं आ रहे? मिट्टी की सब्जी और रायते से इतना मजे की लग रही है। रायत मेरे पीछे पीछे जरूर आती है और इसकी पोयम की आवाज मेरे किसी ब्लॉग में ना ऐसा हो ही नहीं सकता। रूटीन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की और सारा दिन का ब्लॉग हो गया माशाल्लाह से। वरना मुझे जिस दिन मेरा ब्लॉग पूरा हो जाता है ना मुझे उस दिन बड़ी खुशी होती है, वरना आधा रह जाता है फिर दूसरे दिन बनाना पड़ता है। तो आजकल फिलहाल घर में हूँ तो बैक टू बैक ब्लॉग बन रहे हैं, लेकिन दाल एक दिन का गैप करके ही रही हूँ क्योंकि जो है ना फिर वो कोई कॉन्टेंट नहीं रहता कि क्या बनाऊँ, तो इसलिए एक दिन के बाद आता है तो अब जरा सही रहता है। तो फिलहाल ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। मिले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।